हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हम बजाज पल्सर NS200 2024 मॉडल इसका टेस्ट राइड करने वाले हैं। तो गाड़ी में जो है बिल्कुल भी चेंजेस वैसे डिज़ाइन वाइज मैकेनिकली कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छे फीचर एडिशन यहाँ पे किए गए हैं। जैसे कि आप लाइट देखेंगे, फ्रंट की जो लाइट है यहाँ पे आपको DRL देखने के लिए मिल जाता है। इंडिकेटर्स इसमें पूरे LED कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिलता है, ये आप देख सकते हैं फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसमें आपको ब्लूटूथ मिल जाता है, नेविगेशन मिल जाता है, SMS कॉल अलर्ट्स मिल जाते हैं, डिस्टेंस टू MT, रेंज, ये सब चीज़ें बता देता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो है USB चार्जिंग पोर्ट भी देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे जो है आपको मोड का बटन मिल जाता है। तो ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसमें अगर आपको सेटिंग्स में जाना है तो यहाँ से आप जो है इसकी सेटिंग देखेंगे। तो इस टाइप से आप जा सकते हैं, यहाँ पे एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, वार्निंग्स, सेटिंग्स, यहाँ पे आप जा सकते हैं। और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी हो जाता है इसमें। और ऊपर टॉप में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नेविगेशन लिखा हुआ है, तो इससे जो है आपका नेविगेशन यहाँ पे आपको शो करेगा। आई डोंट नो इसमें कैसे किया जाता है ये। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो बटन है, ये आई गेस जो है आपका फ़ोन कॉल जब आएगा तो उसको कनेक्ट डिसकनेक्ट करने के लिए होता है। इसमें आपको ABS मिलता है, डुअल चैनल ABS मिलता है, USD फोक्स मिल जाते हैं फ्रंट में, और पीछे की तरफ जो है मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है, डुअल डिस्क ब्रेक देख सकते हैं। बाकी डिज़ाइन में कोई भी चेंजेस नहीं है। पीछे की भी जो लाइट आप देखेंगे ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, पहले जैसी ही आपको लाइट मिलती है। स्प्लिट सीट मिल जाती है और ये E20 कंप्लायंट है अभी। तो चलिए एक बार इसको चला लेते हैं। वैसे चेंजेस आपको कुछ मिलेंगे नहीं इसके इंजन में, वही 24.5 PS की पावर देता है और अराउंड 18 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है। एक बार इसको चला के देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गियर पोजीशन इंडिकेटर और जो है टाइम दिखा देता है। फ्यूल एफिशिएंसी दिखा देगा, डिस्टेंस टू MT, ये सब चीज़ें दिखा देगा। साथ ही साथ इसमें आप फ़ोन के साथ इसको पेयर कर सकते हैं। तो इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है इसका। तो पावर काफ़ी अच्छी है, वैसा ही इंजन आपको देखने के लिए मिलता है जो कि पहले आता था, बट इंजन रिफाइनमेंट बजाज ने काफ़ी अच्छा किया है इसमें। तो यहाँ पे अगर हम इसकी एक बार परफॉर्मेंस चेक करें, तो हम लोग इसमें दो बंदे बैठे हैं और गाड़ी का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। और न्यू अपडेट्स के बाद इस गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा हो गया है। मतलब मॉडर्न फीचर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। कुछ लोगों को ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे आपको जो है फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। पहला वाला जो था वो एनालॉग टाइप का था, तो वो थोड़ा सा इसको अलग क्लासिक लुक देता था, बट यहाँ पर जो है थोड़ा मॉडर्न फीचर्स इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि बाकी सारी बाइक्स में अपडेट्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, वैसे ही आजकल जो है इसमें भी अपडेट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। और एक और अच्छा इम्प्रूवमेंट यहाँ पे ये किया गया है कि इसका जो लाइट है अभी आपको फुल LED मिल जाती है, वो मैं आपको एक बार आगे जाके दिखा दूँगा। बस गाड़ी में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये लगता है कि ये जो नई गाड़ी है इसलिए हो रहा है कि ये गाड़ी जो है बार बार बंद हो जाती है। जैसे आप लो RPM करते हैं तो उस टाइम पर जो गाड़ी है बंद सी हो जाती है। बाकी गाड़ी में रिफाइनमेंट अच्छा है और फ्रंट में जो है आपको USD फोक्स मिलते हैं, तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी काफ़ी बढ़िया हो जाती है। और ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग भी सॉफ्ट है एकदम, आपको जो है डुअल चैनल ABS मिलता है, तो स्किड कुछ नहीं होती गाड़ी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पैनिक ब्रेकिंग जैसा कुछ भी नहीं रहता।
सिटिंग कंफर्ट थोड़ा सा और बेटर हो सकता था अगर इसका जो सीट का कुशन है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता तो ज़्यादा बढ़िया रहता, बट सीट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया गया है। और यहाँ पे एक छोटा सा आपको जो है वाइज़र देखने के लिए मिल जाता है। तो ओवरऑल गाड़ी में काफ़ी अच्छे इम्प्रूवमेंट किए गए हैं। अराउंड इसके जो प्राइस है वो 10,000 रुपये से ज़्यादा हो गई है। अभी जो इसकी प्राइस है वो अराउंड 1.57 लाख एक्स शोरूम है, तो 10,000 रुपये से जो है इसकी प्राइस बढ़ गई है। तो ये जो मैं बात कर रहा था, गाड़ी थोड़ी सी बंद हो जाती है, सेकेंड गियर में भी जो है इसको थोड़ा सा उठाने में प्रॉब्लम होती है। तो एक बार मैं इसकी जो है लाइट आपको चला के दिखाता हूँ, थोड़े से अंधेरे में आपको ज़्यादा समझ आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इसकी लाइट, एलईडी लाइट काफ़ी बढ़िया रखती है। और इसको अगर हम ये देखिए आप, इसका जो ब्राइटनेस है काफ़ी बढ़िया है। तो यही सब NS 200 नए मॉडल पर एक रिव्यू था। तो मेरी तरफ से दोस्तों इतना ही, थैंक यू।